हाँ तो कुछ लोगों से मिलके बहुत अपनाइयत लगती है, जैसे कि आप, आपके घर वाले और ख़ास तौर पे अम्मी। आज तो उन्होंने मुझसे अपनी इतनी बातें शेयर की, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। अरे वैसे इतना बातें तो अम्मा ने भी कभी हमसे शेयर नहीं किए। मेरी तरह आप उनके पास बैठे नहीं होंगे ना कभी। वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और सारा सारा दिन का किस्सा आके हमको सुनाता है। उसके बाद जब उसका भाई उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए तो उसको लगता है कि हम उससे और पैसे से जलता है, इसलिए हमने उसको यहाँ फोन करके बुलाया है। उसको लगता है अब उसको पैसे से दूर करना चाहता है, जबकि दूर और करीब तो इंसान दिल से होता है। अब ऐसा क्यों करेगा? जब वो फैसल को लेके जाएगा तो तुम लोग को क्या लगता है कि वो सुबह भेज देगा तेरे पास? तुम फैसल का शक्ल देखने को तरस जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हैं ना, सब उसका उलट होएगा। जैसा तुम लोग को लग रहा है ना कि उसने तुम लोग के लिए चाय बनाया है, ये सब अभी का बात है। हमको सब पता है, हमने दुनिया देखा है। बहुत शर्मिंदा है दादा, हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे बगैर अंधा है। अरे पूरा लिहारी तुम्हारे नाम से हमको जानता है, हमको माफ कर दो प्लीज। अभी हमने क्या किया है? अगर तुमको ये पता ही नहीं कि तुमने क्या किया तो फिर बात ही खत्म। बात करेंगे तो बात खत्म होएगा ना। पूरा रात हम सो नहीं सका है। शांजा की मेजबानी कर रहा होगा ना सारी रात, इसलिए तो सो नहीं सका। तो ये शांजा का गुस्सा है। हमने उसको बोला ये लड़की कैसा है। कौन सा लड़की? तुम्हारा बात किया हमने, हमको बोलता हमें तो बहुत बोला है। फिर बात दरअसल ये वो नौशीन है ना, उसको पसंद करता है। ये उसकी चाबी है, जब आप कहेंगे गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगा, काम बिगड़ भी सकता है। अरे आपका नाम नहीं आएगा साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन हमने तो चांदा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और गरूर देखा है। जो उसको तुम्हारे साथ होने पे होता था। नौशीन, हम पर एतबार करो, हमारे दिल में उसके लिए कभी जज्बात नहीं हो सकता है। हमें तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तुमने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया? अरे देखो साहब, अगर आपका बहन लियारी में है ना तो हम उसको ढूंढ निकालेगा। अरे ढूंढना क्या है, हम आपको रात तक बता देगा। नादिर भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी तरह भी शांजे को मेरे पास ले आए तो? अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएगा। हो जाएगा तो कर देना प्लीज। आप क्या देगा, क्या चाहिए आपको? गाड़ी। मेरी गाड़ी तो देखी है ना आप, ये उसकी चाबी है, जब आप कहेंगे ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगा, काम बिगड़ भी सकता है। अरे आपका नाम नहीं आएगा साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, तुम शांजे को ले आओ, मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, लेकिन एहतियात और संभाल के। अरे साहब, अरे लियारी अपना इलाका है, आप बेफिक्र हो जाओ, अरे कोई गड़बड़ नहीं होएगा। लेकिन अगर शांजे लियारी में ना हुई तो फिर तुमको शाहिद की बहन को उठाना होगा। शाहिद का बहन?
शाहिद का बहन को उठाना है। हाँ, शाहिद की बहन को। अरे हम इतना बेगैरत नहीं है कि जो लालच में आके लियारी की लड़की को उठाएगा क्या? देखो साहब, हम तुम्हारा बहन तो उठा के तुमको दे सकता है, मगर लियारी का लड़का ही नहीं देगा तुमको। और अगर तुमको तुम्हारा बहन ढूंढना है ना, तो हम सब कुछ करेगा, ढूंढ के देगा तुमको। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम किसी तरह भी मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। खुद देख लूंगा? अरे क्या खुद करेगा, मतलब तू शाहिद की बहन को अगवा करेगा? अरे तुमको क्या लगता है हम इधर कुत्तों का रखवाला बैठे है? नहीं 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 नादिर भाई, वो गलत समझ रहे। लेकिन अगर मुझे मेरी बहन शांत से मिल जाएगी तो बात ही खत्म, फिर मेरा यहाँ के लोगों से क्या लेना देना। तो ऐसे बोलो ना, थोड़ा टाइम दो हमको। ठीक है नादिर भाई, मुझे इजाजत है, मैं चलूं। हाँ ठीक है। हेलो हेलो फैसल, मैं आपको कॉल कर रही थी, आप उठा नहीं रहे थे। अरे मैम, वो हम बाइक पे था ना, दोस्त से मिलने के लिए आया था उसका ऑफिस, तो इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दरअसल मैं समझी शायद आप नाराज हैं। अरे हमने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि हम नाराज नहीं हैं। लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा था। अरे नाराजगी तो रिश्तेदारी में होता है, हम तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके आया था जो आपका मामा ने सौदेबाजी में डाल दिया। कि हमने उनका बात नहीं माना ना, तो हमारा बात क्यों मानेगा? फैसल आप बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं। तेज नहीं है मैडम, रवैया सबका बहुत जल्दी समझ में आता है बस हमको। हम लियारी का सीधा साधा लोग हैं, हमने क्या तेज होना है। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। अच्छा बताओ। वैसे नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। अभी? अरे बाद में आते हैं ना। वैसे आपने बहाने बनाना भी शुरू कर दिए हैं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज मेरे ऑफिस आइए। अरे ऑफिस तो नहीं आ सकते, अभी हमने आपको बताया ना हम अपने दोस्त के पास किसी काम से आए। अरे फिर किसी दिन आता है ना। अभी अभी पहुंचे, मैं इंतजार कर रही हूँ। हेलो हेलो, काट दिया है, अभी आवे। चलो वो भी चलता है, क्या करे, खालिद को बोल दूंगा, जरूरी काम आ गया। हमने बड़ा खुल के बात किया उससे, उसने हमको बताया कि उससे गलती हो गई। चांजा को देखा आपने, सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल के एक मिनट में चला गया यहां से। हो जाता है कभी कभी ऐसा, तुम अपना दिल साफ रखो। हमको भी लग रहा था कि फैसल ऐसा नहीं है, कि जैसे वो हर मामले को बिजनेस की तरह देखते हैं, अगर फायदा है तो ठीक है मिलो, वरना नजरअंदाज कर दो। अच्छा तुम्हें गुड न्यूज सुननी है या नहीं सुननी है? हाँ
हमको सुनना है, जल्दी सुनाओ। हाँ, पर हमको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि उसका शाहिद की बहन से क्या लेना देना, अरे जबकि उसके घर भी गया था वो। अरे कहीं उसका शाहिद की बहन पे दिल तो नहीं आ गया? अरे उस्ताद, इतना बड़ा सेठ, उसका लिहारी की लड़की पे क्यों आएगा दिल? फैसल, इतनी देर लगा दी आपने आने में। अरे हम तो कहीं नहीं रुका मैडम, हम तो सीधा आपके पास आए। पता नहीं, शायद मैं वेट कर रही हूँ तो इसलिए लग रहा है। हाँ, हो सकता है मैडम। मेरा नाम आलिया है, ठीक है? मैडम मैडम बोलना मुझे बंद कर दो प्लीज, हम दोस्त हैं फैसल। हम दोस्त कैसे हो सकता है मैडम? दोस्ती में ना बराबरी चाहिए होता है, और आपके बाबा को हमको ऐसा लगता है कि हमारा मिलना भी गवारा नहीं है। देखो, मेरे बाबा के लिए रॉन्ग अजम्पशंस रखना बंद कर दो, क्योंकि वो ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है, वो बिजनेसमैन हैं, वो ऐसे सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में ऐसे ख्याल आत रखो। हमको भी मिलके ऐसे ही लगा कि जैसे वो हर मामले को बिजनेस की तरह देखते हैं, अगर फायदा है तो ठीक है मिलो, वरना नजरअंदाज कर दो। अच्छा, तुम्हें गुड न्यूज सुननी है या नहीं सुननी है? हमको सुनना है, जल्दी सुनाओ। जो गुड न्यूज मुझे आपको देनी थी वो ये है कि मैंने बाबा को राजी कर लिया है कि हम एक लियारी में क्लब ओपन करेंगे। तुम्हारी तरह जितने भी लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं, वो वहाँ पे सारी ट्रेनिंग लेके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मुल्क का नहीं मैडम, आपके क्लब का नाम रोशन कर सके। ये आप एक नया पत्ता फेंक रहे हैं ना? हाँ, हम सब समझता है। असल ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये चाहती। हमारी वजह से नहीं मैडम, आप अपना वजह से क्लब खोलना चाहता है। हम लियारी में जरूर रहता है, लेकिन हमको बड़े लोगों का चालाकी मलाकी सब पता है। कौन सी चालाकी फैसल, क्या चालाकी की है? यही के लियारी में क्लब होएगा, और कोच का बात तो हमने खुद आपसे किया है। आपको लगता है कि हम आपका क्लब ज्वाइन कर लूंगा और फाइनली वही होएगा जो आप चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो सिर्फ वो करना चाह रही हूँ फैसल जो तुम चाहते हो, लेकिन शायद तुम समझोगे ही नहीं। मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा है फैसल। आई डोंट लाइक दिस। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम चलता है बस। फैसल, किरण, ये शाहिद हमारे घर तक कैसे पहुंच गया? क्या मतलब? मतलब उसे हमारे घर का पता कैसे चला, और लियारी से पहले तो यहाँ कोई नहीं आया कभी। अरे वो बाबा को एक दिन बाहर मिल गया था तो बाबा उसे घर ले आए। अच्छा, काफी हैंडसम हो गया है। हैंडसम? मेरा मतलब पढ़ लिख कर काफी अच्छी पर्सनालिटी हो गई है उसकी। अच्छा, इतने गौर से मैंने तो नहीं देखा। तुम बता रही हो, तुमने देखा होगा तो हो गई होगी। तुम्हें पता है, बड़े गौर से देख रहा था वो मुझे, तो मैंने भी देख लिया एक दो बार। कहीं दिल तो नहीं आ गया उसको तुम पर? हो सकता है पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। इतना तो नहीं सोचा मैंने, बस वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था तो मैंने भी देख लिया एक दो बार। भाई अगर बार बार देख रहा था तो कुछ तो होगा, वरना रिदापी भी तो यहीं थी ना, उसे तो नहीं देखा उसने। बात तो सही है तुम्हारी, पर यह भी तो हो सकता है ना, वो सोच रहा हो कि ये भी कितनी बड़ी हो गई है। भाई अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो उसकी नियत भी यही होगी। खैर मुझे नहीं पता।
मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके। नौशीन ले आओ काना। ला रहा है। चाय पे काना। साहिब भाई पेशल आया था। क्यों? वो सॉरी करने आया था। किस वास्ते? वो शांजा वाली बात नहीं, उस पे वजह बताया उसने, उसका करीब इतना क्यों हो रहा था? नहीं, हमने बड़ा खुल के बात किया उससे। उसने हमको बताया कि उससे गलती हो गई। चांजा को देखा आपने, सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल के एक मिनट में चला गया यहाँ से। हो जाता है कभी कभी ऐसा, तुम अपना दिल साफ रखो। हमको भी लग रहा था कि फैसल ऐसा नहीं है, और दिलावर भी यही बोल रहा था। अब हाँ, वो बोल रहा था कि उसको कल वापस भेज देगा। आप खाना खा के बताओ मैं कैसा बना। अच्छा बना। पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर ने मना किया, फजूल के चक्करों में दिमाग मत लगाओ अपना। भाई जाओ पढ़ो। ठीक है। अरे शाबू, हमको लगता है कि ये सांप जो है ना, ये अकल से पैदल है या फिर हमें हल्का ले रही है। अरे नहीं उस्ताद, अगर आपको इतना हल्का लेता ना तो इतना बड़ा काम नहीं बोलता तुमको। अरे उस्ताद देखो, बदले में गाड़ी दे रहा है। हाँ, पर हमको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि उसका शाहिद की बहन से क्या लेना देना। अरे जबकि उसके घर भी गया था वो। अरे कहीं उसका शाहिद की बहन पे दिल तो नहीं आ गया। अरे उस्ताद, इतना बड़ा सेठ, उसका लिहारी की लड़की पे क्यों आएगा दिल? अरे शाबू, दिल ना सेठ होता है ना गरीब होता है, दिल तो बस दिल होता है और किसी पे भी आ जाता है। अरे वाह उस्ताद, क्या बात की तूने, सोला आने खरी बात है। हाँ शाबू, पर ये जो भी सोच रहा है ना, ये सामने आ जाएगा, पर हमको उसका नियत में कोट लगा आज। अरे उस्ताद, हम कौन सा खरा है, हमारी नियत भी तो। तुम खाना लाया? आप जी, मैंने बनाया है। क्या तुम सोच रहे हैं ना, और नहीं हो सकता है। मैं क्या सोच रही हूँ? तुमको पता है तुम क्या सोच रहे हैं? हमारा बाल सफेद हो गया है, हम सब समझते हैं तुम फैसल को पसंद करते हैं ना। अरे वो हमारे घर पता नहीं कौन सा उम्मीद लगा के आ गया है, कभी अम्मा के साथ काम में हाथ बटा रहे, कभी हमारे लिए नाश्ता ला रहा है। वो दादा बहुत नाराज है। अरे तो तुम कल्टी करो उसको। अरे घर आए मेहमान को ऐसा निकालता थोड़े ही है। अरे तो तुम एक दो दिन बातचीत बंद कर दो उससे, फिर देखो कैसा जाता है वो। अरे नहीं दिलावर, हम ये सोच रहे थे कि हम उसको सब कुछ साफ साफ खुल के बता दूंगा।
यार कसम से मैंने आज इतनी बोंगियां मारी है ना, पता नहीं मुझे शाहिद के सामने क्या हो गया था, इतनी बोंगियां मार दी मैंने, सलसल मुझ पे हंस रहा था वो। सच में? मुझे तो सोच सोच के इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ना खुद पे। अच्छा यार ऐसे मौकों पर ऐसा हो जाता है अक्सर। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। चल छोड़, ये बता उरूज को देख के क्या बोला। हाँ उसने उरूज से बस दो चार बातें की थी और वो मैडम आगे से फलसफी हो गई। इसकी झूठी तारीफ क्या कर दी, 5 मिनट में मटकते हुए आ गई दोबारा से मैडम। वैसे ख्वाब तो वो उसके जभी से देख रही है। हाँ किसके, शाहिद के और क्या मेरे। हद है यार, अभी तो शुक्र है कि शकल अकल से पूरा है, वरना पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाती। सोच तो उसने भी लिया होगा, ऐसा ना हो कि वो उसको फोन ही ना कर दे यार। वैसे ना एक बात बताऊं, मैंने भी देखा था शाहिद को चोरी छुपे देख रहा था उरूज को। तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही, बकवास कर रही होगी यार। किसी को देखने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसके इश्क में मुब्तला हो गया है। गॉड सेक यार। अच्छा यार छोड़ दो। तुम्हारा यहाँ रुकने से हम नमाज टाइम पे पढ़ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसी बेटी बनूँ जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सके। तुम कितना अच्छा बच्चा है। आप बस बैठे ना, मैं गर्मा गर्म खाना लाई, अभी लाई बस। ठीक है। और सुनो तुम ना दादा के लिए भी थोड़ा निकालना, वो भी खाएगा ना तो उसको पता लगेगा तुम कितना अच्छा खाना बनाता है, कितना काबिल है, वो फिर ना तुमसे प्यार करेगा। ठीक है जी। चलो हम बैठते हैं, हमको दो खाना जल्दी से। दादा तुम खाना लाया है? आप जी मैंने बनाया है। क्या तुम सोच रहे हैं ना, और नहीं हो सकता है। मैं क्या सोच रही हूँ? तुमको पता है तुम क्या सोच रहे हैं? हमारा बाल सफेद हो गया है, हम सब समझते हैं। तुम फैसल को पसंद करता है ना, उसका लिए तुम ये सब कर रहा है। अगर फैसल भी ये चाहेगा ना, हम नहीं करेगा। क्यों? मतलब कोई खामी नजर आई आपको मुझमें? हमने इस नजर से तुमको देखा नहीं है कि तुम्हें क्या खूबी है, क्या खराबी है। हमको बस ये पता है कि तुम इस घर में नहीं रह सकता है, तेरा हमारा कोई जोड़ नहीं है, और जिस रिश्ते में जोड़ नहीं होवे वो ज्यादा नहीं चल सकते। हमारा घर में लियारी का कोई लड़की बहू बन के आएगा। अब उसकी कोई खास वजह, मतलब ऐसा क्या होगा उसमें? अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ना कल्चर, तुम्हारा हमारा कल्चर में बहुत फर्क है। और अगर मैं ये फर्क ही मिटा दूं तो? क्या मिटाएगा तुम? जिस माहौल में तुम पढ़कर जवान हुए उसको मिटा सकता है तुम? मगर दादा गुजरे वक्त का इस वक्त से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसान का माजी तय करता है कि आगे जिंदगी में क्या होएगा। देखो तुम अमीर घर में पलकर जवान हुए, अभी तो तुम जज्बात में बोल रहे ना, लेकिन अगर तुम यहां रहेगा तो थोड़ा अरसे में तुम इधर घर छोड़ देगा या तुम फैसल को ले जाने का कोशिश करेगा। दादा
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम्हारा कहने से हकीकत बदल जाएगा। खाना ले जाओ, हमको भूख नहीं है। वैसे तुमको देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारा दिल ना उस लड़की पर। अरे तुमसे झूठ काहे को बोलेगा दिलावर। हाँ ये बात सच है कि कहीं ना कहीं वो हमको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था, जो हमारे साथ घूम रहा था, फिर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, बाहर चाय पी रहा था, कॉफी पी रहा था। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमारे दिल में हमारा किए वो गलती का एहसास सर उठाने लगा और नौशीन अलग हमसे नाराज हो गया। अरे शायद भी बड़ा परेशान है, उसका बहन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। वो कहता है उसका दोस्त उससे लड़ाई करके तुम्हारे घर जो आ बैठा है। अरे वो हमारे घर पता नहीं कौन सा उम्मीद लगा के आ गया है। कभी अम्मा के साथ काम में हाथ बटा रहा है, कभी हमारे लिए नाश्ता ला रहा है। वो दादा बहुत नाराज है। अरे तो तुम गलती करो उसको। अरे घर आए मेहमान को ऐसा निकालता थोड़े ही है। अरे तो तुम एक दो दिन बातचीत बंद कर दो उससे, फिर देखो कैसा जाता है वो। अरे नहीं दिलावर, हम ये सोच रहे थे कि हम उसको सब कुछ साफ साफ खुल के बता दूंगा। अरे तू क्या बोलेगा? यही कि जो तुम सोच रहे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अरे उसका भाई भी यहीं घूम रहा है, वो जानता है कि उसका बहन इसी इलाके में। उसका यहाँ रहना खतरे से काली नहीं है, अगर वो घर नहीं जाना चाहती तो। अरे उसका भाई ने तो हमें भी देखा है। अरे तो यही सब बताओ उसको। चल ठीक है, फिर सुबह मिलता है। जा रहे शायद से तो मिल लो, आता हो गए। अरे जब तक अब हम उसको घर से निकालने का इंतजाम नहीं करता है, शायद से नहीं मिलूंगा। पहले उसको घर से निकालूंगा फिर शायद से मिलूंगा। जैसे तुम्हारा मर्जी। शांजा का भाई दोबारा आएगा अपना बहन का पूछने। तो फिर क्या बोले, कहां गया? तुम फैसल का नाम मत लेना, बोला हमारा घर से चला गया, हमको कुछ नहीं मालूम। हम उसको लड़की वापस करने का वादा किया हूं। हाँ तो तुम्हारा पास है तो कर दो उसको वापस। अरे हमारे पास कहां से आएगा, तुम्हारे घर इसीलिए तो आया हूं, तुम्हारे पास है ना वो। अरे वो चला गया। चला गया कहां चला गया? हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का। हेलो फैसल, कहाँ रह गए आप, कब आएंगे आप? अरे आ रहे रास्ते में, इतना फोन कर रहे तुम। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ बस। आप बस आ रहे रास्ते में। हमको लगता है कि शांजा का भाई दोबारा आएगा अपना बहन का पूछने। तो फिर क्या बोले, कहां गया? तुम फैसल का नाम मत लेना, बोला हमारा घर से चला गया, हमको कुछ नहीं मालूम। ठीक। एक किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ घर पे नादिर, तुम बोलो। घर में? अच्छा ठीक है, तुम आओ घर पर, आओ हम घर पर ही। नौशीन तुम अंदर अंदर जाकर पढ़ो। अब किसका फोन था भाई? हाँ वो नादिर का था, कुछ बात करना है उसने। तुम जाओ अंदर पढ़ाई करो, हम बात करेगा उससे। ठीक है भाई।
कौन फोन पे फोन कर रहा है? हेलो हेलो फैसल, कहाँ रह गए आप? कब आएंगे आप? अरे आ रहे रास्ते में, इतना फोन कर रहे हैं तुम? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ बस। आप बस आ रहे रास्ते में? ओके अल्लाह हाफिज। फोन कर कर के दिमाग खराब कर दिया, इतना रास्ते में फोन किए तो लगा कोई इमरजेंसी हो गई है, खाना बना लिए। क्या हो गया इतना रात को? क्या बात करना था तुमको? अरे वो एक जरूरी बात करना था तुमसे। आ तो बोलो। वो सेठ नहीं है उस लड़की का बहन, हम उसको लड़की वापस करने का वादा किया हूं। हाँ तो तुम्हारा पास है तो कर दो उसको वापस। अरे हमारे पास कहां से आएगा? तुम्हारे घर इसलिए तो आया हूँ, तुम्हारे पास है ना वो। अरे वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का। ये तो हम पता करवा लेगा, और हम तुमको बता रहा हूँ कि वो सेठ हमको बोला कि अगर उसका बैन नहीं मिला ना तो शायद का बैन। सवाल संभाल के बात कर अपना। नौशीन बहुत नाराज है हमसे। मेरी वजह से? हम दोनों का वजह से। हमको तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि हम नौशीन से प्यार करते हैं। अरे शाबू, हम तुमको कितनी बार बोला हूं, अरे ऐसा गली में मत बैठा करो, लोगों का बहन बेटी होता है अच्छा नहीं लगता है। अम्मा हम कौन सा पैसा के लिए पढ़ाता हूँ? तो खुद ब खुद आप फिसल लग जाएगा पढ़ा पढ़ा के। अम्मा हम तो नहीं बनेगा, लेकिन हम जिन बच्चा लोग को पढ़ाता हूँ ना, वो एक ना एक दिन जरूर अफसर बनेगा। अरे छोड़, ये लियारी का लोग कोई ऑफिसर मॉफिसर नहीं बनता है। ये मछली बेचेगा, फुटबॉल खेलेगा और इसी तरह अपना औलाद को पालेगा बस। सब लोग सिर्फ अपना मफाद का सोचता है, उसके अलावा कुछ नहीं, अपना फायदा सोचता, सिर्फ अपना फायदा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अभी सिर्फ ये समझने का कोशिश करो कि हम आपको समझा क्या रहा है। आपकी इन सारी बातों का एक ही मकसद है ना, कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, है ना? ऐसा कैसे चला जाएगा, ये भी तुम्हारा घर है, हमने तुमको बेटी बोला है। सच पूछो तो हमको तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है। अगर हम अकेला होता ना तो शायद हम तो कब का थक चुका होता। अरे भाई, हम हमेशा एक दूसरे का हौसला बनकर रहा है, हमको ना तुम पे बड़ा नाज है। हम तो हिम्मत ही हार गया था, ये तो तुम्हारी बातों से हमारा जुनून दोबारा से जाग गया है। मैं कोई अखबार वाला या किसी मैगजीन से नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअली नौशीन की फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो आप भी डॉक्टर होएंगा? नहीं, आई विश मैं डॉक्टर हो सकती, लेकिन अभी मैंने कहा ना मैं सिर्फ नौशीन की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने आपका स्कूल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वो जो बोल के गया है ना, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हम गया काम से, सारा जिंदगी अंदर पड़ा रहेगा जेल में। अरे उस्ताद क्यों फिक्र करते हैं,
अरे हम जाएगा तुम्हारी जगह। शाबू अरे तेरे को वो क्यों भेजेगा अंदर? अरे तू जाएगा हम तुमको एक दिन में निकलवा लेंगे। वो हमको भेजेगा अंदर कोई मोटा केस डाल के, ताकि हम लंबा अरसा तक अंदर ही पड़ा रहे। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी, दुनिया से को